हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा आपके सामने है, सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड द्वारा जो आईपीओ की अनाउंसमेंट है वो की गई है। तो आज हम इस कंपनी के बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये वीडियो है वो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज ए आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू डाटा जो ये कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई 1999 में जी हाँ, जो कि एक मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल कंपनी है जो जो कि प्रोवाइड करती है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज को जी हाँ। और इसके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या यूनिट है जी हाँ, एक जो है वो नोएडा में है और सेकंड भी जो नोएडा में सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो अगर बात करें डिटेल की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, वो मार्च 2024 तक वो 135 के करीब रही है। और यहाँ पे किन किन स्टेट में वहाँ जो सप्लाई है वो की जाती है तो उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। बाकी जो डिटेल है वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं डायरेक्ट आईपीओ से जुड़ी डिटेल के बारे में जी हाँ। तो प्राइस रेंज जो फिक्स की है आईपीओ की वो 123 रुपये से लेके 130 रुपये तक की है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे, मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 1,000, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 1,23,000 और मैक्सिमम 1,30,000। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो उसका अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 18 जुलाई तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 19 जुलाई तक। शेयर मिलने पर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे शेयर 19 जुलाई तक, और उनकी लिस्टिंग होगी 22 जुलाई तक जी हाँ। तो ये आप देख सकते हो बेसिक डिटेल। उसके बाद ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी में या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो उससे पहले आप प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। उसके बाद आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप कंपनी और उससे जुड़ी जो भी बेसिक डिटेल है वो आप ले सकते हैं जी। तो ये थी हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।